इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है कमला पसंद अनोखा स्वाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान और आज का मुद्दा में आज बात करेंगे किसका काम बोलता है। मेट्रो की सुविधा कानपुर वासियों को उपलब्ध हो जाएगी। आज का दिन उत्तर प्रदेश के कानपुर वासियों के लिए काफी खास रहा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कानपुर मेट्रो के ट्रायल रन को हरी झंडी दिखाई। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि एक से डेढ़ महीने के भीतर कानपुर की जनता इसकी सवारी कर सकेगी। लेकिन इन सबके बीच सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि आखिरी मेट्रो की सौगात किस सरकार की है। जहां एक तरफ सूबे के पूर्व सीएम अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इस मेट्रो की शुरुआत और शिलान्यास उन्होंने किया था, वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि अगर पिछली सरकार ईमानदारी से काम करती तो ये मेट्रो और पहले शुरू हो जाती। वहीं अब बसपा सुप्रीमो मायावती का भी कहना है कि इसकी नींव उन्होंने रखी थी, मतलब मेट्रो एक दावे अनेक। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। कानपुर भी अगले एक से डेढ़ महीने के अंदर इस मेट्रो की सुविधा से जुड़ जाएगा, यह अपने आप में एक उपलब्धि। बुधवार को उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े औद्योगिक शहर कानपुर को मेट्रो की सौगात मिल गई। कानपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बटन दबाकर मेट्रो के पहले ट्रायल रन को हरी झंडी दिखाई तो कानपुर की मेट्रो पर यूपी की सियासत भी सवार हो गई। जी हाँ, जिस मेट्रो का सपना कानपुर वासियों ने देखा था वो सपना तो पूरा हुआ, लेकिन उसके साथ शुरू हुई विकास के मुद्दे की वो जुबानी जंग जो चुनावी मुद्दा भी बन चुकी है कि किसका काम बोलता है। कानपुर मेट्रो के ट्रायल रन को हरी झंडी दिखाने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों और नेताओं को संबोधित करते हुए जहां मेट्रो के ट्रायल रन पर खुशी जताई तो विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा, पिछली सरकारों में इच्छा शक्ति की कमी थी, नहीं तो कानपुर को मेट्रो पहले ही मिल जाती। सीएम ने कहा, प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद तेजी से प्रयास हुए और अब कानपुर के लोगों को ये सुविधा मिलने जा रही है। इसलिए सरकारें थोड़ा भी प्रयास करती तो इसका लाभ बहुत पहले कानपुर वासियों को प्राप्त हो जाना चाहिए था, लेकिन अपनी नकारात्मक और भ्रष्ट रवैये के कारण पिछली सरकारें इसको प्राप्त करने में विफल रही। वहीं योगी आदित्यनाथ के जुबानी हमले का समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी जवाब देते हुए तंज कसा। अखिलेश यादव ने ट्विटर पर लिखा, कानपुर मेट्रो स्थानीय निवासियों के लिए सपा की एक ऐसी सौगात है जो परिवहन का एक नया इतिहास लिखेगी। कानपुर को फिर से समृद्ध बनाने के लिए इसका योगदान क्रांतिकारी साबित होगा। शुक्र बस इतना है कि इसका झूठा श्रेय लेने वालों ने हरी झंडी का रंग नहीं बदला। बता दें कि कल मायावती ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए यूपी में हुए विकास कार्यों पर सपा और बीजेपी पर तंज कसा था। बीएसपी सुप्रीमो ने कहा था कि जो विकास कार्य सपा और बीजेपी के राज में हुए हैं वो बीएसपी की देन है। मेट्रो से लेकर एक्सप्रेसवे की नींव बीएसपी सरकार में रखी गई थी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तथा कुशीनगर व जेवर हवाई अड्डा आदि बनाने का जो वर्तमान भाजपा सरकार इसका खुद पूरा श्रेय ले रही है तो ये सही नहीं है। जबकि इन तीनों कार्यों की व अन्य सभी एक्सप्रेसवे तथा मेट्रो आदि की भी पूरी रूपरेखा बीएसपी की सरकार में ही बना दी गई थी। बता दें कि कानपुर मेट्रो का शिलान्यास 4 अक्टूबर 2016 को तत्कालीन अखिलेश सरकार ने करवाया था। केंद्र सरकार ने 20 सितंबर 2017 को मेट्रो की डीपीआर दोबारा बनाने को कहा। योगी सरकार ने 5 सितंबर 2018 को कानपुर मेट्रो की नई डीपीआर केंद्र सरकार को भेजी। केंद्र सरकार ने 28 फरवरी 2019 को कानपुर मेट्रो को मंजूरी दी। पीएम मोदी ने 8 मार्च 2019 को कानपुर मेट्रो का शिलान्यास किया। सीएम योगी ने 15 नवंबर 2019 को कानपुर मेट्रो के कंस्ट्रक्शन के काम का शुभारंभ किया। गौरतलब है कि कानपुर मेट्रो को लेकर सियासत में कांग्रेस भी पीछे नहीं रही। केंद्र में यूपीए के शासनकाल में कानपुर मेट्रो की फाइल राज्य सरकार ने कई बार भेजी, लेकिन सियासत की चक्की में मेट्रो परियोजना ऐसी उलझी कि फाइल से ही बाहर मेट्रो नहीं निकल पाई।
केंद्र में मोदी सरकार बनने के बाद कानपुर मेट्रो को पंख लगे, लेकिन सियासत आज भी जारी है। 2017 यूपी विधानसभा चुनाव में अखिलेश ने काम बोलता है का नारा दिया था, लेकिन यूपी की जनता ने अखिलेश का काम किनारे कर दिया और सत्ता पर बीजेपी का कमल खिला दिया। अब कानपुर की मेट्रो फाइल से बाहर निकलकर 2022 से पहले ट्रैक पर दौड़ रही है, लेकिन पब्लिक की जगह सियासत अब भी मेट्रो की सवारी कर रही है। विकास से भला तो जनता का होता है, लेकिन 2022 के चुनाव में किसका काम बोलता है ये बड़ा मुद्दा है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो जहां मेट्रो का जो है उद्घाटन हुआ है, कह सकते हैं ट्रायल रन का उद्घाटन कर दिया गया, वो कुछ ही समय बाद कानपुर के जो वासी हैं वो मेट्रो का सफर कर सकेंगे। लेकिन सबके बीच सवाल यही कि दावे अनेक हो रहे हैं और मेट्रो एक है, और ये पहली बार पार नहीं, इसके पहले भी पूर्ववर्ती सरकारें रही हैं और सबका ये कहना होता है कि हमने काम किया, श्रेय दूसरी पार्टी ले रही है। हम उम्मीद करते हैं कब ये दिन आएगा जब सारी पार्टियां ये बोलेंगी कि हम सबके प्रयास से जनता को तोहफा मिलने जा रहा है। इसी पर हम चर्चा करेंगे, हमारे साथ कई सारे मेहमान भी जुड़ेंगे। फिलहाल हमारे साथ महेश त्रिवेदी विधायक हैं बीजेपी के कानपुर से, वो जुड़ गए हैं, और सैयद कासिम वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सैयद कासिम साहब, आप ही के पास आऊंगा। सर, ये राजनीतिक प्रतिद्वंदिता ये आज की बात नहीं, काफी पहले से इस तरह का चलता आ रहा है। पूर्ववर्ती सरकार काम करके जाती है या शिलान्यास करती, जो भी करती, कुछ कार्य तो करती है, दूसरी सरकार उसका श्रेय लेती कि हमने काम किया। अगर बात करें बहुजन समाज पार्टी की, जब 2007 में सरकार आई थी, उसके बाद जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है वो अखिलेश यादव बनाते हैं। बहुजन समाज पार्टी की जो सुप्रीमो मायावती, वो कहती है हमने इसकी शुरुआत की थी। तो आखिर किसकी बात को हम सही माने, और आखिर ऐसा क्यों होता है जब चुनाव नजदीक आते हैं ये सब शुरू हो जाता है, आपसे समझने की सर कोशिश करेंगे। लेकिन सर मैं आपको ये बताऊं, मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आवाज आ रही है आपकी। भाई यार कर रहा हूं मैं, मतलब नहीं कर रहा हूं। एक पूरे जुमला कहा जाता है कि मुखालफत बराए मुखालफत, विरोध के लिए विरोध करना। ये विरोध के लिए विरोध की आप तो मुझे देख रहे हैं, दिखाई दे रहा है कि जैसे जेवर कुशीनगर का वाइटा हो, जेवर का वाइटा हो, तो वो उसका मतलब सब लोग लेने के लिए आगे आते हैं कि ये हमने करवाया, हमारे कार्यकाल में शुरू हुआ, हमने इसका डिजाइन करवाया था, हमने ये बढ़िया कर रहा है। आप देखेंगे तो कानपुर मेट्रो में दिखाई देगी। लेकिन जो चीज है उसको स्वीकार करना बड़ा जल्द दिखाना चाहिए। जैसे लखनऊ मेट्रो अखिलेश यादव के कार्यकाल में बनी, तो उसका श्रेय अखिलेश यादव को मिलना चाहिए। कानपुर मेट्रो का अपने समय में ही पूरा होना बड़ी उपलब्धि है, कि जिसका शुरुआत जो है इसी सरकार में शुरुआत हुई और इसी सरकार में उसका ट्रायल रन भी हो गया और आज उसका उद्घाटन भी कर दिया। बड़ा दिल दिखाते हुए इसको स्वीकार करना चाहिए कि हाँ, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इस काम को समय पे पूरा किया। और मुझे अगर मौका मिलता, मुझे अगर मैं मुख्यमंत्री होता प्रदेश का या मेरी राय चलती, तो लखनऊ से पहले कानपुर को मेट्रो की जरूरत थी। कानपुर आपका इंडस्ट्रियल हब है, कानपुर जाम की वजह से परेशानी रहती थी, कानपुर में बहुत ज्यादा दिक्कतें थी। आप स्वागत कीजिए फैसले का, आपको स्वागत करना चाहिए विपक्ष के नेताओं को कि हाँ आपने ये काम किया, हम आएंगे तो हम इससे अच्छा काम करेंगे। ये प्रतिस्पर्धा तो अच्छी चीज है, लेकिन हर काम में कीड़े निकालना, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। मैं बधाई देना चाहूंगा उत्तर प्रदेश की सरकार को कि उसने समय अपने समय विरोध के लिए विरोध करना, ये कोई अच्छी वो नहीं है कि आप इसलिए विरोध कर रहे हैं कि हम इनके विरोध नहीं, विरोध सर वो विरोध विरोध नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये जो शुरुआत है हमने की थी और उसके बाद अब श्रेय लेने का जब मौका आता है तो प्रदेश सरकार के जो मुखिया हैं वो पहुंच जाते हैं कि उन्होंने कहा हमने काम किया, लेकिन जनता तो समझती, जनता देखती है किसने काम किया है, किसने काम किया। शिलान्यास अखिलेश यादव ने किया, सिर्फ कागज बने और शिलान्यास कर दिया या उन्होंने प्लान किया। बहन जी की सरकार ने उसको सोचा कि हमको कानपुर में मेट्रो बनाना चाहिए। देखिए किसने पूरा किया, किसके कार्यकाल में शुरू हुआ, जिस प्रकार लखनऊ मेट्रो को समाजवादी सरकार ने शुरू किया, उसी सरकार में बनकर तैयार हुई, इसका क्रेडिट अखिलेश यादव को जाता है। उसी प्रकार कानपुर की मेट्रो को स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं है। हाँ, एक दिक्कत है
भारतीय जनता पार्टी में एक दिक्कत योगी जी के साथ होती कि हर जगह पर उस चीज को वो विवादित बना लेते हैं। जैसे आज कानपुर में अमिताभ वाजपेयी को घर में बंद कर दिया गया, उनको हाउस अरेस्ट कर दिया गया, उनको बंद कर, वो आपके जनप्रतिनिधि हैं, आपको मौका देना चाहिए कि वो भी उसमें शामिल होते। अगर वो नहीं आ रहे थे तो आपको घर में, क्योंकि अच्छे कामों पर इस तरह के, जिसको हिटलरशाही कहे, इस तरह से हिटलरशाही लोकतंत्र में इस प्रकार के कामों से अच्छे कामों पर पानी फिर जाता है। एक कामयाब कदम था कानपुर की मेट्रो का। कानपुर वासियों को कुल मिलाकर फायदा पहुंचा। हमारे साथ महेश त्रिवेदी जी हैं, कानपुर से विधायक हैं। महेश त्रिवेदी जी, कुल मिलाकर जनता को फायदा इसका मिला है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्रायल रन का शुभारंभ भी कर दिया है, लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं, समाजवादी पार्टी कह रही हमने शुरुआत की है, बहुजन समाज पार्टी की मुखिया कहती हैं न्यू तो हमने रखी थी, और अखिलेश यादव कहते हैं हमको मौका नहीं मिला, केंद्र सरकार अगर जो DPR बनाकर भेजी थी अगर वो मंजूर कर देती तो मेट्रो बहुत पहले शुरू हो चुकी होती। ये जब नियत साफ होगी ना तो मंजिल आसान होती है। नियत में जब खोट होगी तो प्रॉब्लम ये आएगी। अब जिस सरकार के काम में, नियत में, कर्मों में पवित्रता है तो उसने सब पूरा किया है, जनता देख रहा है किसने किया है, क्या किया है। अब ये तो अपना अपना विचार है, कौन क्या कहता है, क्या नहीं कहता है, हम क्या कर रहे हैं ये तो जनता देख रही है, किसने क्या किया ये जनता देख रही है, तो इसका तो जनता ही निर्णय करेगी ना 2022 पे। केवल एक विषय को चिल्लाने, अगर नियत में व्यवस्था सही होता और कर्म में सही व्यवस्था होता तो उस समय अगर ये कहते हैं कि हमने स्टार्ट किया, हमने ये किया, तो उस समय क्यों नहीं जनता को उपलब्ध कराया। जिसकी नियत साफ होगी तो वो तो जनता के लिए, कल्याण के लिए काम करेगा ही। हम लोग तो सबके नहीं, अखिलेश, लेकिन अखिलेश जी जो है समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो, उनका कहना है कि केंद्र सरकार की अगर मदद की अगर ही होती है, केंद्र सरकार का भी सपोर्ट होता है, क्योंकि सारी चीज कुछ चीजें सेंट्रल गवर्नमेंट भी तय करती है अगर मेट्रो संचालन किसी राज्य में होता है तो। उनका कहना है अगर केंद्र सरकार मदद करती तो कहीं ना कहीं आपको लगता है डबल इंजन सरकार जो है उसका फायदा बीजेपी को मिला है कि तय समय से पहले ये मेट्रो तैयार हो चुकी है। ऐसा है, डबल इंजन की सरकार से तो जनता को फायदा होता ही है, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। एक विचारधारा के लोग हैं तो हम लोग ज्यादा ओबलाइज कर सकते हैं, ज्यादा लोगों का कल्याण कर सकते हैं जनता के हित के लिए। अब हम लोग उसी व्यवस्था को तो ठीक कर रहे हैं, सब बिचौलियों को ठीक किया जा रहा है। तो आपका मतलब है जो केंद्र सरकार, अगर केंद्र सरकार की जो पार्टी, जिस पार्टी की सरकार केंद्र में है और दूसरे राज्य में अगर उसकी सरकार नहीं है तो उसको बेनिफिट नहीं मिलता इतना, और जहां उसकी सरकार उसको ज्यादा बेनिफिट दिया जाएगा, ये माने नहीं। ये अपने अपने कर्मों के आधार पर है ना, काम में हम कितनी पवित्रता। तो अखिलेश यादव ने कौन से, अखिलेश यादव ने कौन से कर्म खराब किए थे सर? हिंदुस्तान का सबसे अच्छा एक्सप्रेस वे बना कर दिया उन्होंने, लखनऊ मेट्रो शुरुआत करके दी, उसके बाद कानपुर मेट्रो की भी शुरुआत कर दी थी, हालांकि बाद में श्रेय बीजेपी को देना चाहिए, कोरोना काल में भी विकास हुआ है। आप हमारी भावना को समझिए जी, जब हमारे कर्मों में पारदर्शिता होगी तो सब हमारे कर्मों को देखेंगे, सब जगह फॉलो होगा, सब हमारे को सुनेंगे। जब कर्मों में पारदर्शिता नहीं होगी तो कहीं ना कहीं हमारे साथ राजेश यादव बने हुए समाजवादी पार्टी से। राजेश यादव जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, आप देर से जुड़े। नमस्कार राजेश जी, जैसा कि हमारे महेश त्रिवेदी जो बीजेपी विधायक, उनका कहना है कर्मों में पारदर्शिता होना जरूरी है, तो क्या आपकी पार्टी में, आपके नेता में कर्मों की पारदर्शिता नहीं है? अब ये अमिताभ वाजपेयी जी बोल रहे हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि माननीय अखिलेश यादव जी जो कहते हैं वही करते हैं, और उत्तर प्रदेश में जो अखिलेश यादव ने किया वो एक नजीर है, चाहे वो कानपुर हो, चाहे वो लखनऊ हो, चाहे यूपी हो, पूरी यूपी में हो। कानपुर मेट्रो का शिलान्यास उन्होंने 4 अक्टूबर 2016 को वेंकैया नायडू जी तो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उस समय वो माननीय केंद्रीय मंत्री शहरी विकास आवास तथा गरीब उपन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के मंत्री थे। वो दोनों लोगों ने ज्वाइंट 2004 अक्टूबर 2016 को पालिका मैदान ब्रजेंद्र स्वरूप पार्क में उसका शिलान्यास किया था। शिलान्यास करने के बाद हमारी सरकार, माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार, 2017 में चली गई। मेट्रो को योगी जी ने जानबूझ के 5 साल, 4.5 साल योगी जी को हो गए, उन्होंने उसको डिले किया।
जब चुनाव का समय आया तो थोड़ा फेज बनाकर उसका श्रेय लेने के लिए उन्होंने उसका उद्घाटन राजेश जी मेट्रो निर्माण होना कोई एक दिन का खेल नहीं है, तो आप क्या कहना चाहते हैं 21 साल में निर्माण हो जाता, ये तो और पहले हो गया है, आपको ये कहना चाहिए कि समय से पहले कर दिया। हाँ, ये बात जरूर जोड़ सकते हैं राजनीतिक नजरिए से कि चुनाव नजदीक है इसलिए तेजी लाई गई है, ये बात आप कह सकते हैं, मगर आप ये कह रहे हैं कि और पहले हो सकता था, मुझे लगता है संभव है। देखिए, समय से पहले नहीं हो गया, ये हम मानते हैं कि समय लगता है, लेकिन जब 2016 में शिलान्यास हुआ, सर शिलान्यास हो जाने से मेट्रो थोड़ी ना बन जाती है, अगर किसी योजना का शिलान्यास किया तो क्या वो योजना तुरंत क्रियान्वयन में आ जाएगी, समय लगता है ना योजना। तो योगी जी 2017 में आ गए, 2017 से 18 19 20 कोई एक फेज चालू कर देते, जब चुनाव के 2 महीने बचे तो एक फेज की आधे अधूरे की झंडी दिखाकर श्रेय लेना चाह रहे, और योगी जी का काम ही है। माननीय अखिलेश यादव जी ने, सुन लीजिए अमिताभ वाजपेयी, जैसे हमारा आप राजेश जी अमिताभ वाजपेयी जी नहीं है, ये महेश त्रिवेदी जी है, बीजेपी विधायक। अच्छा जी महेश वाजपेयी जी, जैसा कि आप महेश त्रिवेदी जी भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और जाने माने कद्दावर बाहुबली विधायक भी कहा जाता है। हम उनको विधायक हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ, जैसे रिटायर 100 लखनऊ में बनी थी, आप उनको 112 आपने कर दिया। मैं राजेश यादव हूँ। राजेश यादव जी, आपका परिचय क्या है? मैं प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी। नहीं, कहाँ रहते? नगर में, कानपुर नगर। आप मैं लखनऊ में निवास करता हूँ। नहीं, ये कानपुर से नहीं सर, ये लखनऊ से निवास करते हैं और समाजवादी पार्टी के सचिव हैं। राजेश जी अपनी बात कह सकते हैं, बाकी मेहमान भी हमारे साथ हैं, हम चाहेंगे हमारा कहने मतलब योगी जी का काम ही है कि जो माननीय अखिलेश यादव जी के काम है उनको काम को भुनाने का, डायल 100 माननीय अखिलेश यादव जी ने बनाया, उसको उन्होंने 112 करके पूरा विश्व में दिखाया कि नहीं मैंने डायल 100 बना दिया। ये तो कोई छुपा नहीं किसी से। इकाना स्टेडियम लखनऊ में माननीय अखिलेश यादव जी का बना था, आपने उसका नाम चेंज करके अपना श्रेय ले लिया। तो योगी जी का काम ही है सिर्फ श्रेय लेना, काम तो उन्होंने कुछ किया नहीं। नवीन मार्केट की बात, कानपुर की बात करें, मेट्रो हो या नवीन मार्केट का जितना सौंदर्यीकरण है माननीय अखिलेश यादव जी ने कराया, जो बहुमंजिली सामने पार्किंग बनी हुई है वो माननीय अखिलेश यादव जी की देन है। कानपुर में भी देख लीजिए योगी जी ने क्या किया, अगर अखिलेश यादव ने शुरू की थी, आपने उसको धीरे धीरे करके बना दिया, उसका श्रेय लेना चाह रहे। शिलान्यास तो माननीय अखिलेश यादव जी ने किया, अगर हमारी सरकार होती, हमारी सरकार उद्घाटन करती, आपने बनाया, उद्घाटन करिए, इसके लिए किसको आपत्ति है? लेकिन शुरू तो माननीय अखिलेश यादव जी ने किया था, न्यूट उन्होंने डाली थी, तब तो आपने मकान बनाया। राजेश जी, बहुत सी सरकारें जो शिलान्यास करके जाती हैं उनकी योजनाओं को बंद कर दिया जाता है आने वाली सरकार में, वो काम नहीं किया गया है, इसका भी श्रेय देना चाहिए। बहुत सी योजनाएं जो शुरू होती हैं पूर्ववर्ती सरकार में, नई सरकार आने के बाद उसको इसलिए बंद कर देती कि कहीं उनको क्रेडिट ना जाए, ये काम तो नहीं किया ना। हाँ, ये नहीं किया, इसके लिए उनको धन्यवाद है कि आपने कानपुर वासियों का ध्यान रखा, कम से कम मेट्रो बनाई। हम कब कह रहे हैं कि उनका बिल्कुल हमारे साथ किया। ठीक, हमारे साथ अंशु अवस्थी जी भी प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। अंशु अवस्थी जी, आपका भी बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अंशु जी, आज कानपुर वासियों को खास सौगात मिली है, उत्तर प्रदेश में अब 5वीं मेट्रो है, और जैसे ही उन्होंने शुभारंभ किया ट्रायल रन का, अब 1.5 महीने बाद शुरू हो जाएगी आम जनता के लिए मेट्रो, अब राजनीतिक शुरू हो गई है, अखिलेश यादव क्रेडिट ले रहे हैं, बसपा जो है सुप्रीमो उनकी मायावती वो कह रही हमने नींव रखी थी, कैसे देखते हैं आप? अंशु जी, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? जो भी क्रेडिट भाजपा और सपा लेना चाहती है वो क्रेडिट जनता तय कर लेती है किसको देना है किसको नहीं देना है। 2012 में लखनऊ मेट्रो बनी थी, सभी को पता है कि उसमें जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिवोल्यूशन मिशन के अंतर्गत 70% जो निधि थी वो केंद्र की कांग्रेस सरकार की दी हुई थी। अखिलेश यादव जी के द्वारा जो परियोजनाएं बनाई गई थी, चाहे कानपुर की हो, बनारस की हो या आगरा की हो, उनमें जो तकनीकी चीजों थी उनको समय से राज्य सरकार ने प्रस्तुत सही करके नहीं किया, जिसकी वजह से वो परियोजनाएं लेट हुई। नहीं तो लखनऊ के साथ उसी समय कांग्रेस सरकार के द्वारा वित्त पोषित कानपुर, बनारस, गोरखपुर और आगरा की मेट्रो भी चल गई होती, लेकिन सपा की प्राथमिकता में नहीं था।
तो ये बात सही है कि क्रेडिट किसको देना है किसको नहीं, ये जनता देती है। लेकिन अंशु जी, बहुजन समाज पार्टी आने वाले समय में, अंशु जी, जब 2007 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार आई, उन्होंने जो डीपीआर भेजी थी केंद्र सरकार को, उस वक्त आपकी सरकार थी सेंट्रल में। दोनों जो आम जनमानस से जुड़े मुख्य मुद्दे हैं उन पर विफल साबित हुए। आप मेट्रो का श्रेय लीजिए, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बना, श्रेय ले रहे हैं, लीजिए, लेना चाहिए। लेकिन कम से कम जो नौजवानों को नौकरियों की बात कही थी, उत्तर प्रदेश में लोगों की आय घटकर आधी रह गई, जंगल राज हो चुका है अपराध का, महिलाएं जिनको रात में कहा था 12 बजे घूम सकती सुरक्षित, वो दिन में नहीं घूम पा रही हैं, उनके बारे में बीजेपी के लोग क्या कहेंगे भाई? उसके बारे में कोई जवाब है इनके पास? उत्तर प्रदेश में इतने अनुभवहीन मुख्यमंत्री को बिठा दिया जिनको कोई जानकारी नहीं उत्तर प्रदेश की सामाजिक और भौगोलिक स्थिति के बारे में। उत्तर प्रदेश के बीजेपी के स्वयं के 200 विधायक मुख्यमंत्री से असंतुष्ट थे, आपको याद होगा, विधानसभा के बिल में बैठ गए थे। तो ऐसे मुख्यमंत्री को बिठाकर बीजेपी उत्तर प्रदेश को सिर्फ और सिर्फ पीछे ले जा रही है। उत्तर प्रदेश में लगातार अपराध बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही, लोगों की आय घटकर आधी रह गई, शिक्षा मित्र अनुदेशक सब सड़क पर है। आपकी जो बात है वाजिब, लेकिन जो दो साल कोरोना काल रहा उसमें भी काफी चीजें अस्त व्यस्त हो गई, उसको भी तमाम विपक्षी पार्टियों को और आम जनता को नहीं भूलना चाहिए। हालांकि सब सरकारों में काम होते, कुछ सरकारों में काम नहीं होते, वो अलग बात है। आप सभी मेहमान हमारे साथ बने रहिए, एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद भी हम कुछ और सवालों के साथ पेश होंगे। आवागमन के लिए मेट्रो की सुविधा कानपुर वासियों को उपलब्ध हो जाएगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले थोड़े दिल फेंक, दोनों के अलग हैं रंग पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। हो मिलकर आप आगे बढ़ेंगे, नेतृत्व की जिनमें क्षमता है इतिहास वही लिखते हैं, जन जन की आंखों में वो उम्मीद को रोशन करते हैं, सबको साथ लेकर चलना धामी सरकार का मकसद है, धामी सरकार का मकसद है, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार पर अपनी सरकार का फोकस है, अपनी सरकार का फोकस है। गर्भवती माता नवजात शिशु का रक्षण हो, कोरोना प्रभावित बच्चों का भी सुनिश्चित पोषण हो। किसान की आय बढ़े, चहुमुखी विकास पहाड़ चढ़े, संकल्प लिया है सिद्ध करेंगे, मिलकर हम आगे बढ़ेंगे, मिलकर अब आगे बढ़ेंगे, मिलकर अब आगे बढ़ेंगे, मिलकर अब आगे बढ़ेंगे, मिलकर अब आगे बढ़ेंगे। भारत माता की। उत्तराखंड में सुशासन की पहचान बन चुकी है धामी सरकार, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे,
विमल, बोलो जुबा केसरी। मसाले खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। सदियों से सुनते आए हैं, बेटे बड़े होके अच्छी सी नौकरी करना। अच्छी सी नौकरी करना, अच्छी सी नौकरी करना। अच्छी सी नौकरी करना, अच्छी सी नौकरी करना। अच्छी सी नौकरी करना, अच्छी सी नौकरी करना। अच्छी सी नौकरी करना। अगर सब अच्छी नौकरी करने वाले बनेंगे तो नौकरी देगा कौन? बेटा तुम अच्छी सी नौकरी देने वाला बनना। अगर भारत को दुनिया का नंबर वन देश बनाना है तो आज हर बच्चे के अंदर एंटरप्रेन्योर माइंडसेट जगाना होगा। बिजनेस मास्टर्स हमारी एक पहल है जो बच्चों को सिखा रही है कि उन्हें नौकरी ढूंढने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनना है। बिजनेस ब्लास्टर्स, छोटे बिजनेस स्टार्स, बड़े बिजनेस आइडियाज, 14 नवंबर से आपके टेलीविजन पर। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बढ़ेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज का मुद्दा और आज का मुद्दा में हम बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में मेट्रो के ट्रायल रन का शुभारंभ किया और उसके बाद से ही बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी के तमाम सारे नेताओं का यह कहना है, इसकी शुरुआत समाजवादी पार्टी ने की थी और इसका क्रेडिट अखिलेश यादव को जाना चाहिए। वहीं बहुत भारतीय जनता पार्टी की बात करें, उनके नेताओं का कहना है शुरुआत करने से कुछ नहीं होता, आपको काम करना होता है और पूरा क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी को जाना चाहिए। इसी पर हम बात करें, हमारे साथ कई सारे मेहमान जुड़े हुए हैं। हम आएंगे सैयद कासिम साहब के पास, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सैयद कासिम साहब, ये आज की बात नहीं है, इसके पहले भी पूर्ववर्ती सरकारें रही हैं, सबका ये कहना होता है कि ये काम हमने शुरू किया था और श्रेय हमको जाना चाहिए। जो बाद में सरकार आती वो कहती कि कुछ सरकारें तो काम बंद भी कर देती हैं, तो ये तो गनीमत है कि सरकार ने काम नहीं बंद किया, उस काम को अंतिम रूप दिया और उसका फायदा प्रदेश की जनता को, शहर की जनता को मिल रहा है। देखिए ये तो इसमें कोई शक नहीं शैलेंद्र भाई के काम जो भी करे उसको क्रेडिट मिलना चाहिए, क्योंकि पूर्व में अगर आप देखें, अभी हमारे सपा प्रवक्ता कह रहे थे राजेश यादव जी कि हमने इसका शिलान्यास किया था, आप देखेंगे तो दिल्ली से मथुरा एक्सप्रेसवे का की शुरुआत भी और लगभग 90% काम तैयार भी हो गया था बहन जी के कार्यकाल में, आपने उनको क्रेडिट नहीं दिया। फिर उसके बाद आपने मेट्रो लखनऊ की बनाई, आपने उसका ट्रायल भी करवा लिया, आपकी सरकार चली गई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, मोदी जी और योगी जी ने उसका उद्घाटन किया, उन्होंने कह दिया भाई हमने केंद्र सरकार ने पैसा दिया था। अभी हमारे अंशुल भाई बता रहे थे कि ये पैसा जो था वो केंद्र सरकार ने कांग्रेस ने दिया था। भाई आप काम करें, जनता, एक चीज से मैं सहमत हूं अंशुल जी के, कि जनता सब कुछ देख रही है,
कानपुर की जनता को मालूम है कि किस समय शुरू हुआ, किसने पूरा किया, कितनी जरूरत थी, पूर्ववर्ती सरकारों ने क्यों नहीं किया। मैं फिर कहूंगा कि लखनऊ से ज्यादा मेट्रो की जरूरत कानपुर के थी। पर एक दिक्कत जो मैंने आपसे अर्ज किया कि उत्तर प्रदेश में योगी जी फ्री हैंड होके काम कर रहे हैं, लेकिन बस सरकार उनके इर्द गिर्द घूमना, सरकार का सरकार के कामों का भी उनके इर्द गिर्द घूमना। आप कहीं देखेंगे जैसे मोदी जी की छाया उन्होंने अपने ऊपर ली हुई है, मोदी जी केंद्र में अकेले, आपको दाहिने बाएं कोई नाम सुनाई नहीं देगा, दिखाई नहीं देगा। इसी तरह योगी जी उत्तर प्रदेश में अकेले खेलना चाहते हैं, जिसके नतीजे में तमाम तरह की परेशानियां और दिक्कतें पैदा होती हैं। योगी जी के कार्यकाल में कानपुर का ये मेट्रो बनना शुरू हुआ, पूरा हुआ, समय से पहले पूरा हुआ, इसके लिए बधाई बनती है। लेकिन मैं आप शैलेंद्र जी इन सब चीजों के अलावा देखिए विकास कानपुर एक मुद्दा, कानपुर में जैसे आज उन्होंने जीका वायरस कल की भी वो देखा, उसमें गए, उसकी जानकारी ली, उसका उन्होंने वहां पहुंच के देखा। अब हर काम को मुख्यमंत्री जी देखेंगे, स्वास्थ्य मंत्री क्या करेगा, विधायक क्या करेंगे, सांसद क्या करेंगे, पूरी नौकरशाही क्या करेगी। हर काम को जहां भी आप देखें तो आपको योगी जी ही नजर आएंगे। तो योगी जी के इर्द गिर्द बने रहने के कारण बीजेपी के जो शीर्ष नेतृत्व है, बड़े बड़े नेता हैं, इन्होंने भी अब मान लिया कि सीएम के लिए योगी से बड़ा चेहरा कोई नहीं है, और उस चेहरे का इस्तेमाल कैसे करना है, मेरे ख्याल से जो बीजेपी का संगठन है, बड़े बड़े जो धुरंधर नेता हैं, उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। यही कारण है जी लगातार जो जिलों का दौरा हो रहा है, उप मुख्यमंत्री भी कर रहे हैं, दोनों डिप्टी सीएम कर रहे हैं और भी मंत्री कर रहे हैं, लेकिन योगी जी पर ज्यादा फोकस रहता है कि उसको भुनाने की कोशिश में है, और कोई बुराई नहीं है। अगर आप जनता के बीच जा रहे हैं, उनकी जो तमाम सारी योजनाओं को लोकार्पण शिलान्यास कर रहे हैं, तो अगर विकास कार्य कर रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, अगर आप उसको भुनाने की कोशिश करते हैं। पिछली सरकारें नहीं भुना पाई। बिल्कुल शैलन जी, मैं आपसे सहमत हूँ, मैं आपसे 100% सहमत हूँ। मैंने चुनावी चेहरे की बात ही नहीं, मेरा कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि योगी जी एक अच्छे प्रशासक है, कुशल प्रशासक है, फ्री हैंड उनके पास है, लेकिन छोटे छोटी चीजों में भी उनके लगातार कानून व्यवस्था पे चेतावनी के बाद, उनकी लगातार समीक्षाओं के बाद, लगातार डीजीपी और प्रमुख सचिव गिरी को उसके उनकी क्लास देने के बावजूद आप देखेंगे कि प्रदेश में योगी जी अपने अपने कार्यकाल को बहुत अच्छे से पूरा करना चाहते हैं। लेकिन कहां से क्यों ये सब बीच में कठिनाइयां आती, कानपुर से 4 कदम दूर, कितनी दूर है, टाई की घटना हो गई और कप्तान बैठ के कह रहे हैं कि साहब ऐसा 3 फीट की रस्सी से उन्होंने आत्महत्या कर ली नारे से। ये मैं इसकी तरफ आपको इंगित करना चाहता हूँ, योगी जी कामयाबी के साथ विकास उन्होंने मुद्दा बनाया, और लेकिन विकास के साथ मैंने जैसे कहा अभी कि अमिताभ जी को घर में नजरबंद कर दिया, अमिताभ वाजपेयी को आपने उसको डाइवर्ट कर दिया। विकास में अगर विपक्ष के विधायक हैं तो आपको उनको मौका देना चाहिए, आइए कार्यक्रम में शामिल होइए। बिल्कुल, इसमें क्या जाता है, बिल्कुल देना चाहिए, और दोनों ही पार्टी को इसका इस कदम को आगे बढ़ाना चाहिए कि दोनों ही पार्टी को आगे आकर इस पर भरोसा करना चाहिए और मौका देना चाहिए। महेश जी कैसा कैसे देखते हैं, जो आज कानपुर के जो विधायक हैं अमिताभ वाजपेयी, उनको नजरबंद कर दिया गया, क्या उनको नहीं बुलाया जा सकता था कार्यक्रम में, जैसा कि सैयद साहब पूछ रहे हैं? ऐसा है आप समझदार व्यक्ति हैं, और ये लोग भी अपना पार्टी में हैं तो पार्टी की भाषा बोलना पड़ेगा, इनकी मजबूरी है सबकी। महेश जी ये वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये किसी पार्टी में नहीं है, इनका ये कहना है कि नजरबंद करना क्या जरूरी है, अगर कोई अपनी बात कहना चाहता है, पूर्ववर्ती सरकार में उसने काम किया है। आप सुन लीजिएगा जी, मैं ठीक है, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं रिस्पेक्ट दे रहा हूँ। हमारा विषय ये है कि मतलब योगी जी एक संत के रूप में है, ठीक है, और ये जितने भी चाहे बसपा के लोग हों, चाहे कांग्रेस के लोग हों, चाहे सपा के लोग हों, इनको योगी जैसा त्यागी होना, योगी जैसा व्यक्तित्व रखना, इनके लिए अब दूसरा जीवन जरूरत पड़ेगा लेने के लिए। अभी इन लोगों योगी जी के कर्मों को ये पा जाए, इसलिए ये ठीक है, ये लोग पार्टी के लोग हैं, पार्टी की ही बात करेंगे, ये अलग विषय है।
और रहा अफ्ताब जी का, तो अफ्ताब जी हम सब लोग लोकल में यहाँ पर काम कर रहे हैं, कानपुर नगर में ही काम कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये होती है कि जब हमारे साथ कोई व्यवहार होता है तब तो मैं बोलता हूँ, और जब मैं सत्ता में होता हूँ तो मैं व्यवहार कैसा करता हूँ उसकी समीक्षा नहीं करते हैं। अगर यही सब समीक्षा होने लगे और सब जगह पारदर्शी व्यवस्था हो जाए तो हमको लगता है कोई फोर्स की भी जरूरत नहीं है, कोई लाइन ऑर्डर की कोई बिगड़ने की व्यवस्था नहीं है। ये सरकार में आप जैसे व्यक्तिगत समीक्षा कर रहे हैं कि वहां पर मोदी जी एक हैं आप बोल रहे थे, और वहां पर योगी जी एक हैं, ऐसा है, तो इन सब बातों का क्या अर्थ है? आप ये बताइए कि देश की प्रदेश की व्यवस्था को हम लोग ठीक करने में लगे हुए हैं कि नहीं, पारदर्शी व्यवस्था हो रही है कि नहीं हो रही है, लोगों के कल्याण के लिए हम लोग काम कर रहे हैं कि नहीं, गरीबों के लिए हम लोग काम कर रहे हैं कि नहीं काम कर रहे हैं। मतलब वही 75 साल 70 साल की घिसी पिटी वही व्यवस्था में हम लोग काम करते रहे, अगर हम अनुशासन को बढ़ाएं, व्यवस्था को सही लेके चलें और पारदर्शी व्यवस्था को काम करें तो क्या दिक्कत है? भ्रष्टाचार को हम लोग कम कर रहे हैं, लोगों के बीच में गरीबों के बीच में काम कर रहे हैं। ये 2022 अगर जैसे ये दल के लोगों की आप बात है, महेश जी आपको ये नहीं लगता तो महेश जी नहीं जी। दल के लोग ही सब अच्छा अच्छा करते रहे तो इन्हों जनता ने क्यों इनको नकार दिया? ये भी तो एक चिंतन होना चाहिए। बिल्कुल, ये तो हमारी 2022 में जनता बताएगी कि हम लोगों ने क्या, लेकिन तमाम विपक्षी पार्टियां बोलती है कि उस वक्त मोदी लहर थी, इस वजह से भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिला, उस वजह से आप देख लीजिएगा कि ये मोदी लहर थी, मोदी हमारे नेता है, हमारे आदर्श है और पूरे विश्व में, इसीलिए आज हम पृथ्वी में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर के आ रहे हैं, सबसे बड़ी मेंबरशिप है हमारे में। विषय इसका है कि हम लोगों का कर्मों की समीक्षा जनता करती है, ये जो जात के हिसाब से लोग काम करने वाले लोग हैं, जो जाति पार्टियां बनाकर काम करने वाले, जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले लोग हैं, अब जनता जाग। लेकिन महेश जी समाजवादी पार्टी के जो सुप्रीमो हैं अखिलेश यादव, वो तो समाजवादी इत्र ला रहे हैं, वो कह रहे नफरत को भुलाकर हम सब एक होकर जनता के बीच जाएंगे, जाति धर्म जितने वर्ग हैं सबको एक साथ एकजुट करेंगे, ये तो अच्छी चीज है, इसका स्वागत करना चाहिए बीजेपी को। और बीजेपी के नेता कह रहे हैं ये इत्र नहीं है, ये इत्र इत्र के रूप में भ्रष्ट है, और तमाम तरह के बयान आ रहे हैं कि ये नफरत फैलाते हैं। ऐसा ऐसा इनके पिताजी ने भी बहुत एक बार मुख्यमंत्री बने, ये भी मुख्यमंत्री बने, ये जब ये नीचे होते हैं सीट में नहीं होते तब इनकी विचारधारा इतनी पवित्र होती है, जब सीट में बैठ जाते हैं तब ये कितना सीमित व्यवस्था में हो जाते हैं, ये भी तो चिंता। ठीक है, जवाब ले लेते हैं राजेश जी। हाँ राजेश जी बने हुए समाजवादी पार्टी से हमारे साथ, उनका कहना है जब आप सत्ता में होते हैं तब आपके बात भाव सब अलग होते हैं, अब जब सत्ता में नहीं होते तब आप इत्र की बात करते हैं, नफरत दूर करने की बात करते हैं, प्यार मोहब्बत की बात करते हैं, ये बातें उस वक्त क्यों नहीं होती जब आप सत्ता पर बैठे होते हैं? ये बिल्कुल गलत बात है, सिर्फ नफरत फैलाने का काम सिर्फ देश के अंदर एक ही पार्टी का है, वो भारतीय जनता पार्टी का। माननीय अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री रहे वो सर्व समाज सर्व धर्म सबको एक साथ लेके चले, और कहीं उन्होंने किसी को भेदभाव नहीं किया। आप लोग कहते थे कि थाने में देखिए कौन से सो है कौन से सो, आज आप उठा के देख लीजिए क्या हो रहा है, कितनी जात पात पे राजनीति हो रही है। माननीय अखिलेश यादव जी ने चाहे वो किसी जात का हो चाहे किसी धर्म का हो, एक समाज एक विचारधारा से काम किया। यादव जी जो बोल रहे हैं इनकी पार्टी जातवाद पे खड़ी हो गई है और जातवाद पे काम करने वाला है, ये क्यों ऐसी बात करते हो? सर जनता जाग चुकी है, इसलिए जनता देखिए विधायक जी जनता व्यवस्था को काम करने वाले लोग अब पनपने वाले नहीं है, जो सबको न्याय दे, हम लोग तो हिंदू मुस्लिम सबको न्याय देने में लगे। अगर आप देख लीजिए ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, अगर हिंदू का मकान बन रहा है तो मुस्लिम का भी मकान बन रहा है, अगर हिंदू को कोई सुविधा मिल रहा है तो मुस्लिम को, नफरत और जातवाद की राजनीति तो खत्म करिए। विधायक जी मृत लोक में आने के बाद शुद्धता कैसे आएगी लोगों में? ऐसे हम बोलते हैं, एक तरफा बोलते हैं, जैसे जब तक पृथ्वी है तब तक हम लोग यहाँ पर निवास करने के लिए आए हैं। अरे कुछ कर्म योगी बनिए, कुछ महेश जी राजेश जी को भी मौका दीजिए, महेश जी राजेश जी को भी मौका दीजिए, उनको भी अपनी बात कहने का मौका दीजिए, उनको बात अपनी पूरी करने दीजिए। राजेश जी ऐसे बोल रहे हैं,
जैसे एक पेड वर्कर बोलते हैं पार्टी के लिए, इन सब बातों का क्या अर्थ है? नहीं, हर कोई अपनी पार्टी के लिए बोलेगा, हर कोई अपनी पार्टी की तारीफ करेगा, लेकिन जनता देख रही है कौन सी पार्टी कितना काम कर रही है, वो तो जनता देख रही है। लेकिन हर कोई अपनी पार्टी की बुराई नहीं करेगा ना। अगर आपकी पार्टी ने कुछ गलत काम किए हैं तो आप ये नहीं कहेंगे उसने गलत काम किया, आप तो कहेंगे सही काम किए हैं। वैसे राजेश जी भी अपनी पार्टी की बड़ाई कर रहे हैं, जनता समझ रही कौन सी पार्टी कैसा कर रही है, तो ठीक है, राजेश जी को मौका दीजिए, राजेश जी अपनी बात पूरी कीजिए। कर्मों की समीक्षा होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल योगी, बिल्कुल महेश जी, हम आपसे ना हो, कर्मों की समीक्षा होना चाहिए, बिल्कुल, कर्मों की समीक्षा तो 2022 में उत्तर प्रदेश की जनता करेगी। जो हमारे आप कह रहे थे कि बड़े संत हैं, संत योगी जी हैं, कोई भी संत की ये भाषा नहीं होती कि ठोक दो। पता चला हमारे कानपुर के व्यापारी को ही ठोक दिया, पता चला लखनऊ में बंदा सर्विस करके आ रहा था में ठोक दिया। सबसे अपराध युक्त सरकार हो गई। ये आप लोगों ने इतना भय को बढ़ा दिया तो उसको हम लोगों को ठीक करने में समय लग रहा है। आप लोगों ने क्या नहीं किया, सब कुछ तो किया आपको, मेरी सरकार को कुछ नहीं हुआ, ठोका आप लोग, अन्य लोगों को ठोका, किसको नहीं ठोका? अच्छा, मेरा ये चौथा चुनाव है, कोई ऐसा नहीं है कि हम अनभिज्ञ रहे हैं। मैं मुस्लिम अगर आप समीक्षा मुस्लिम अगर आप वोट देंगे तो मुस्लिम को आप छोड़ देंगे, उनका घर गिरा देंगे, कर्मों उनके परिवार को बर्बाद कर देंगे। पाप करेगा मतलब जो हमें वोट देंगे उसको गिरा देंगे, जो पाप करेगा उसको सही करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने जो पाप किए हैं और योगी जी ने जो पाप किए हैं, उत्तर प्रदेश की जनता 2022 में योगी जी के पापों का हिसाब महेश जी चुकता करेगी। हम भी रहेंगे, आप भी रहेंगे, आप देखिएगा जो पाप एक योगी होकर जो पाप किया है उसको उत्तर प्रदेश की जनता सबक सिखाने वाली है। ये इस बार ये राजेश जी ये देखिए ऐसा है, राष्ट्रीयता के लिए भी विचार करिए, आप बुद्धिमान व्यक्ति नहीं, हम राष्ट्रवादी हैं, हम हिंदुस्तान में पैदा हुए, हिंदुस्तान में ही लड़ेंगे। आप कुछ ऊपर के लिए भी कर्मों की समीक्षा करिए, सब नीचे ही मत करिएगा, ऊपर भी हम लोगों को जाना ठीक है। किसके किसके कर्म अच्छे हैं, किसके कर्म अच्छे नहीं है, ये फैसला जनता बहुत जल्द करेगी। अंशु जी हमारे साथ बने हुए, अंशु जी जिस तरह से आज मेट्रो का उद्घाटन हुआ, ट्रायल रन का शुभारंभ हो गया है, अब 1-1.5 महीने में शायद ये जमीन पर उतर जाएगी और जनता इसका फायदा उठाएगी। अंशु जी आपको नहीं लगता कि अगर चुनाव नजदीक ना होते तो शायद ये जो शुभारंभ है इसमें देरी होती? मुख्यमंत्री जी को समझाइए, ठीक है, राजेश जी आएंगे, ठीक है, बाकी लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सर, लोगों को लाखों में हत्या कर रहे सर, बाकी लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पारदर्शी मुख्यमंत्री आ गया है बहुत दिनों बाद, ठीक है महेश जी, तुम लोगों को प्रॉब्लम क्या है? ठीक है, ये आ गया, जनता बताएगी 2022 में, ठीक है 2022 में जनता बताएगी किसको चुनना है, जनता को अधिकार है किसको चुनना है, किसको चुनना नहीं है, ठीक है, ठीक है महेश जी शांत हो जाइए, राजेश जी शांत हो जाइए, आपकी बात पूरी हो गई। अंशु जी सवाल आपसे, अंशु जी कैसे देखते हैं जो आज शुभारंभ हुआ है, कम समय में मेट्रो की शुरुआत कर दी जा रही है, 1-1.5 महीने में शुरुआत हो जाएगी, शुभारंभ आज हो गया है, कैसे देखते हैं कि बहुत जल्द कर दी गई इसलिए कि चुनाव नजदीक है, अगर चुनाव नजदीक ना होते शायद ये डिले हो जाता, क्योंकि कोरोना काल में भी मेट्रो में जो विकास कार्य चल रहे थे, मेट्रो का कंस्ट्रक्शन लगातार चल रहा था जी। अंशु जी क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है आपकी सर, सवाल आप ही से है, लोगों की सवाल आप ही से है कि ये जो मेट्रो का शुभारंभ हुआ है आपको नहीं लगता जल्दी कर दिया गया, चुनाव नजदीक है? मैंने सुन लिया जी। देखिए जनता जरूर श्रेय देती उस समय जब भारतीय जनता पार्टी की नियत में विकास को लेकर सोच, अब चुनाव जब आ गया है तब एक दो खंभे खड़े करके और एक दो डिबेट चला देने को आप कह देंगे कानपुर मेट्रो चल गई, तो इसको लोग तो समझ ही रहे कि आप चुनावी इंतजार कर रहे थे, आपको जनता के हितों से कोई मतलब नहीं है, जनता के हितों से मतलब होता तो आप प्राथमिकता पे उसको, आपकी शुरुआत 2017 में सरकार बनी थी, आपने 18-19 तक चला दिया होता, क्योंकि आपकी डबल इंजन की सरकार थी, काम भी डबल इंजन की स्पीड नहीं, से ये, ये, ये सर ये कहना तो जल्दबाजी होगा, 2016 में शिलान्यास हुआ और आप कह रहे हैं 2019 में चला देना, ये तो ना इंसाफी होगी, दो साल में मेट्रो कहां तैयार हो जाएगी,
सवाल यह है कि सवाल यह है कि आप इनका आभार व्यक्त करिए, इन्होंने आपके ऊपर एहसान कर दिया कि सर वही तो समझने की कोशिश चला दिया, वही तो समझने की कोशिश आपसे कर रहे हैं भाई। सवाल ये आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपसे जानने की कोशिश यही है कि आपको लगता है कि चुनाव नजदीक है इसलिए जी। हम जो बात कर रहे हैं उसको तो आप काट रहे हैं, तो मैंने तो यही बात कही कि अगर 2017 में ये भी तो कहा था कि 70 लाख नौकरियां देंगे, क्या दे दी क्या? डबल इंजन की सरकार में देनी चाहिए थी, सबसे ज्यादा बेरोजगारी है उत्तर प्रदेश में, कहा था अपराध दूर करेंगे, कहा है लोगों की आय घटकर तो आधी हो गई डबल इंजन की सरकार में। भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ झूठ बोलते हैं, जब तक शाम तक 1000 झूठ ना बोल लें। और मुख्यमंत्री जी की जो भाषा शैली है, क्या वो लगता है कि 22 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले नेता की है? धोखे से भारतीय जनता पार्टी ने जो उधार का सिंदूर लगाया, धोखा दिया लोगों को, और उसके बाद बिठा दिया योगी आदित्यनाथ को, जो सिर्फ उत्तर प्रदेश में जहर बोने का काम कर रहे हैं। जनता 2022 में आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बीजेपी का सुपड़ा साफ करेगी, आप देखिएगा, समय आने दीजिए। उत्तर प्रदेश के नौजवान पीड़ित हैं, परेशान है, जब वो रोजगार मांगते हैं तो उन्हें लाठियों से पीटा जाता है। हमारी बहनें जब रोजगार मांगती हैं तो उनको कहा जाता है ये पिछले पापों का फल है। पहली बार भाजपा सरकार में 2:30 बजे रात को दलित बेटी को मिट्टी का तेल डालकर जला दिया गया, ये कहां का इंसाफ है? उसका श्रेय किसको जाएगा? उत्तर प्रदेश में किसानों के ऊपर हत्यारे केंद्रीय मंत्री ने गाड़ियां चढ़वा दी कितनी बर्बरता से, उसका श्रेय किसको जाएगा? उसका श्रेय भी तो भाजपा को जाएगा। और सबसे ज्यादा एडीआर की रिपोर्ट कहती है कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोग बीजेपी में, तो भारतीय जनता पार्टी हर मोर्चे पर विफल है। 2022 में इनका सुपड़ा साफ होने जा रहा है। आप लोग चाहे जितना इनके लिए काम करिए, चाहे जितनी इनकी मदद करिए, जनता जान चुकी है कि बीजेपी कभी जनता का हित नहीं कर सकती। अंतरराष्ट्रीय मार्केट में कच्चा तेल सस्ता है और लेकिन बेचा जा रहा है 100 रुपए के ऊपर पेट्रोल, और जब 4 सीटें हारे तो 10 रुपए घटाए आधे घंटे में। डरपोक लोग हैं, डरपोक। और आप जान लीजिए, जनता समझ चुकी इनकी कमजोर नस ईपीएम में है। 2022 में जब ये पूरा साफ हो जाएंगे तो डीजल बिकेगा 40 रुपए में और पेट्रोल बिकेगा 45 में। जनता को पता है कि अगर पेट्रोल डीजल सस्ता लेना तो बीजेपी को हराना पड़ेगा। ठीक है, सैयद साहब हमारे साथ बने हुए। सैयद साहब, जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है लगातार हर जिले का दौरा कर रहे हैं और जाकर कहीं ना कहीं जो पुरानी योजनाएं हैं वो पूरी हो चुकी हैं, उसका उद्घाटन कर रहे हैं और नई योजनाओं का शिलान्यास भी कर रहे हैं, एक तेजी दिखाई जा रही है। क्या हम ये माने चुनाव नजदीक होते हैं तभी सारे नेता जमीन पर आते हैं और तेजी दिखाना शुरू करते हैं ताकि जनता तक मैसेज जाए कि हम आपके साथ खड़े हैं और हम जितना विकास कर रहे हैं शायद पहले की सरकारों ने नहीं किया? देखिए, ये हर सरकार का एक तरीका रहता है। अखिलेश जी ने भी अपनी 2017 में आपने देखा होगा कि मेट्रो का ट्रायल करके उन्होंने उद्घाटन कर दिया था, इसी तरह से उन्होंने एक्सप्रेसवे का भी उन्होंने उद्घाटन कर दिया था। तो अब योगी जी ये कर रहे हैं। और जहां तक इसका सवाल है कि कितनी विकास योजनाएं हैं, अब ये तो अब जो आप देख रहे हैं उद्घाटन ना के बराबर हो रहे, कम हो रहे हैं, प्रतिशत में 5%, 7%, 8% हो रहे हैं, 10% हो रहे हैं, घोषणाएं ज्यादा हो रही। जैसे आपने अस्पतालों का देखा, उद्घाटन कर दिया मोदी जी से आपने करवाया और उन अस्पतालों को कराया जिन्हें जहां भी प्लास्टर नहीं हुआ। आप समझिए, मेडिकल कॉलेज बता के उनका उद्घाटन करा दिया गया जहां भी प्लास्टर नहीं हुए। अंदर का इंफ्रा तो छोड़ दीजिए, डॉक्टर छोड़ दीजिए, मशीनें छोड़ दीजिए। तो ये आधे अधूरे, इस तरह के नहीं, आधे अधूरे बहुत ही ऐसे काम जो आधे अधूरे भी नहीं, उनका उद्घाटन किया जा रहा है। घोषणाएं ज्यादा हो रही है, उद्घाटन अब 2-3-4 और बचे हैं। एक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भी अभी आधा अधूरा है, उसका भी उद्घाटन होना है। उसके अलावा वो मोदी जी से कराया जाएगा और ये हर सरकार करती है। मैं त्रिवेदी जी अभी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी, और वो मैंने जो सवाल किया था वाजपेयी जी का, उसका जवाब उन्होंने नहीं दिया कि सपा विधायक को नजरबंद क्यों कर दिया गया। मैं आपको बताऊं, देखिए भारतीय जनता पार्टी की बात जो है वो उसका चाल चरित्र चेहरा अलग कहते हैं उनने को, तो जब आप अलग कहते हैं तो आप समाजवादी पार्टी के रास्ते में कैसे चलेंगे जिसे आप गलत कहते हैं? आप अभी अंशुल भाई कह रहे थे कि हम जो भी है हमने किया या इसने किया, भाई आपकी केंद्र में सरकार थी, बंगाल में कब से मेट्रो है? आज से मेट्रो है बंगाल में, तो पूरे प्रदेश में आपने क्यों नहीं किया? अन्य प्रदेशों में जब आपकी सरकार थी क्यों नहीं? जयपुर मेरे ख्याल से राजस्थान के अलावा आपके राज्य में कहीं भी मेट्रो आपने नहीं बनाई। देखिए, नियत अलग चीज है, नीत अलग चीज है।
तरीके अलग अलग हैं। मेरे नजर में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। मैंने आपसे पिछली डिबेट में भी कहा था, भाजपा प्रवक्ता से कहा था कि आप सरकार चलाने में, आप पार्टी चलाने में बहुत सक्षम है, आप प्रचार तंत्र में बहुत आगे हैं, आपको कुछ भी बेचना आता है, आप मतलब पुड़िया के अंदर कुछ भी हो कुछ भी बता के बेच देंगे। संगठन भारतीय जनता पार्टी चलाना जानती है, प्रचार तंत्र भारतीय जनता पार्टी का मजबूत है, इतना सा करने पे इतना प्रचार किया जाएगा जो आज दिखाई दे रहा है। काम कम है, प्रचार ज्यादा है, चुनाव नजदीक है। आप शैलेंद्र भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये चुनावी घोषणाएं हैं, चुनावी उद्घाटन है, चुनाव के कारण किए जा रहे हैं, लेकिन इस बात को मैं फिर कहूंगा, मैंने डिबेट के शुरू में कहा था, फिर कह रहा हूं कि कानपुर को मेट्रो की जरूरत थी, जिसे केंद्र में इनकी डबल इंजन की सरकार होने की वजह से इन्होंने जल्दी से पूरा करवाया। दूसरी कोई सरकार होती उसमें तमाम अवरोध उत्पन्न होते, दूसरी सरकारों में बजट ना दिया जाता, दूसरी सरकारों में मनरेगा का काटा जाता है, तमाम प्रोजेक्ट रोके जाते हैं, आपका वैट का काटा जाता है, आपका तमाम काट लिए जाते हैं, रोक लिए जाते हैं। लेकिन बधाई देना चाहिए कि उत्तर प्रदेश सरकार ने समय से पूर्व, समय से पहले कानपुर की मेट्रो जहां जरूरत थी उसे बनाया है, उसकी बधाई देना चाहिए। बिल्कुल राजेश जी, जैसा कि तमाम आरोप लगते हैं बीजेपी सरकार पर, मुख्यमंत्री पर भी आपकी पार्टी के लोग आरोप लगाते हैं, ये जो सरकार है, जो मुख्यमंत्री है, किसी खास वर्ग को मदद कर पहुंचाने की कोशिश में रहते हैं, लेकिन जितनी भी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की हैं, चाहे वो प्रदेश की हो चाहे वो केंद्र की, उसका फायदा तो सभी को पहुंचता है। आप ऐसे आरोप कैसे लगा सकते हैं? मेट्रो अगर कानपुर में चालू होगी, उसमें ये थोड़ी ना होगा कि हिंदू बैठेगा, मुसलमान नहीं बैठेगा, या सिख नहीं बैठेगा, या ब्राह्मण नहीं, सभी बैठेंगे। जो भी योजना, राशन अगर बांटा जा रहा है तो सबको मिल रहा है, तो जो योजना है उसका फायदा तो सबको मिल रहा है ना। ये तो स्वाभाविक है, क्योंकि अखिलेश जी हमेशा एक बात कहते रहते हैं, अखिलेश जी हमेशा एक बात बोलते हैं कि जो एक्सप्रेसवे है उसमें ये नहीं देखा जाता कौन चल रहा है, हिंदू चल रहा, मुसलमान चल रहा है, जात नहीं पूछी जाती। तो क्या भारतीय जनता पार्टी की योजना है सरकार की, क्या उसमें जाति और वर्ग को देखकर ये योजनाएं लागू की जाती हैं? फायदा तो सबको मिलता है ना। सभी लोग उस जो लेकिन जो सरकारें जो योजना लेके आती है उसमें सभी लोग चलेंगे। ये हम नहीं करें कि कोई एक वर्ग विशेष चले। मानिए अखिलेश यादव जी भी जो योजना लेके आए, एक्सप्रेसवे बनाया, उससे पूरे यूपी के लोग चल रहे, पूरे देश के लोग जाते आते हैं। अखिलेश यादव जी ने लैपटॉप दिया तो उन्होंने कोई कास्ट या जातवाद देख तो थोड़ी दिया, सभी लोगों को फायदा हुआ। अखिलेश यादव ने जो बच्चों को प्रोत्साहन राशि दी वो भी सबको मिला, जो उन्होंने साइकिलें बांटी सब हर बराबर समकक्ष, चाहे वो किसी जाति धर्म देख के कोई या मुख्यमंत्री हो या कोई प्रधानमंत्री हो या देश का प्रधानमंत्री या उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, जो योजना लेके आते, जो सड़क बनाते हैं, जो योजना लाते हैं, उनको सभी लोग चलते हैं। ये मैं थोड़ी दे रहा हूँ उस पर जो योगी नहीं, मेट्रो नहीं, तो नहीं तो वही सवाल है, सवाल वही कि अखिलेश जी का कहना है कि हमने जात, तो सरकार की योजना है बीजेपी की, उसमें भी ऐसा कुछ नहीं है, सबको फायदा मिल रहा है, सबको जो पात्र है उनको फायदा पहुंच रहा है। जो सर समय का अभाव है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी हमसे जुड़ने के, सैयद साहब आपका भी शुक्रिया, अंशु जी आपका भी शुक्रिया, महेश जी आपका भी शुक्रिया। तो आज का मुद्दा में बात कर रहे थे, जो मेट्रो का उद्घाटन हुआ है उसको लेकर अभी होड़ मच गई है, समाजवादी पार्टी कह रही है हमने इसकी शुरुआत की थी, बहुजन समाज पार्टी कहती है नींव में रखी थी, खैर इसका फायदा आप सभी को पहुंचेगा। आज का मुद्दा में फिलहाल के लिए इतना ही, रुकेंगे इस ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार देखिए हमारा खास प्रोग्राम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेंद्र चौहान जी के साथ।